प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने अष्टांग योग की चर्चा एक एक करके की है, आज हम सूक्ष्म व्यायाम की चर्चा विस्तार से करेंगे कि सूक्ष्म व्यायाम क्या है और सूक्ष्म व्यायाम क्यों अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो बहुत ही साधारण में हम सूक्ष्म व्यायाम के बारे में जानेंगे कि जो सूक्ष्म व्यायाम होता है वो आसनों को करने से पहले किया जाता है। अब आप सोचोगे कि ये क्यों किया जाता है। जैसे एक लोहा होता है, अगर लोहे पे वार करके उसे आकार देना हो, जैसे हथौड़ी का आकार देना हो, तो उसे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो लोहे को हिट करेंगे, यानी कि गर्म करेंगे, और तब जाके हम मनचाहा उसको आकार देंगे। चाहे आप हथौड़ी का आकार दीजिए या फिर किसी भी और चीज़ का आकार दीजिए। ठीक वैसे ही हम जब अपने शरीर को आकार, यानी कि जब आसन का जो मेन होता है वो शरीर को दृढ़ करना, एक स्थिरता लाना शरीर में, एक स्थिरता वो भी सुखपूर्वक। आज मैं पद्मासन में बैठी हूँ तो मैं बहुत स्थिरता से बैठी हूँ, लेकिन ये शुरुआती दौर में पॉसिबल नहीं है कि अगर आप अपने जीवन में कभी योग को न धारण किए हो तो आपको इस अवस्था में बैठने में बहुत दिक्कत होगा। लेकिन इसको प्रैक्टिस के द्वारा, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम के प्रैक्टिस के द्वारा और फिर आसन लगाने के बाद, तब धीरे धीरे ये जो बैठने की जो क्रिया है ये ही आसन है। यानी कि जब हम सुखपूर्वक बैठते हैं, अब इस पोस्चर में हमें कोई दिक्कत नहीं है फिजिकली, ना ही मेंटली, ना कोई हमें तनाव दे रहा है। लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति पद्मासन में बैठे तो उसको शरीर में खिंचाव, एक तनाव लगेगा। लेकिन अगर कोई सधा हुआ है योगी, उसके लिए ये क्रिया बहुत साधारण है और उसको बल्कि इस अवस्था में बैठने पे सुख लगता है और स्थिरता से वो बैठता है। तो कहने का सेंस यही है कि जब हम आसन करें तो आसनों को करने से पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करें। और सूक्ष्म व्यायाम क्या है? सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसी क्रिया है जो हमारे पूरे शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लोच पैदा करती है और हमें आसनों के लिए तैयार करती है। साथ ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा कर देती है। सुबह हम उठते हैं तो उठते ही हम तुरंत आसन नहीं कर सकते हैं। अगर हम सुबह उठते ही तुरंत आसन करेंगे तो हमारे शरीर में दर्द होगा। उस दर्द को ना हम महसूस करें, बल्कि एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में, एक क्रम से जब हम करेंगे तो हमारे शरीर में वो दर्द नहीं महसूस होगा। कोई भी व्यक्ति अगर योग में उतरना चाहता है तो वो सीधे सीधे आसनों को नहीं ग्रहण कर सकता है। आसनों को ग्रहण अगर करेगा भी तो वो कुछ दिनों बाद छोड़ देगा। सूक्ष्म व्यायाम जो ऐसी क्रिया है जो श्वासों के साथ की जाती है, बहुत आजकल लोग सूक्ष्म व्यायाम क्रिया को बिना अनुभव किए इसे जो चाहे वो शब्द दे देते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म व्यायाम की जो क्रिया है, जो पद्धति है, वो ऐसी पद्धति है जिससे आप हर एक आसनों को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो आलसी व्यक्ति है वो आसनों को सीधे सीधे नहीं कर सकता है, लेकिन अगर सूक्ष्म व्यायाम से करवाया जाए, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही स्थिरता से, धीरजता से, श्वासों के साथ किया जाता है और ये आसन की पूर्व अवस्था होती है। जब हम इस अवस्था में निपुण हो जाते हैं तो हम आसन में सिद्धि प्राप्त करते हैं। आसनों को और बेहतर तरीके से ध्यानात्मक रूप से करते हैं, हमारा पूरा ध्यान एकाग्र होता है। सूक्ष्म व्यायाम ना ही सिर्फ हमारे शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, बल्कि हमारे जो ध्यानात्मक विकास है उससे भी विकास करने में पूरा मदद करती है। हम जब सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो हम अपने श्वासों के साथ करेंगे, और सूक्ष्म व्यायाम जो बिना श्वासों से किया जाता है वो बिल्कुल लाभदायी नहीं है। रस्ता स्थिरता से मैं सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया को करवाऊंगी और आप भी साथ साथ करिए, देखिए कि इसमें लाभ मिल रहा है कि नहीं। और यकीन मानिए, अगर आप इसको एक हफ्ते फॉलो करते हो, एक हफ्ते सिर्फ, तो आप इसके बहुत बेहतर परिणाम देख सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको सूक्ष्म व्यायाम से लाभ मिलने लग रहा है तो इसका तात्पर्य ये बिल्कुल ना निकाले कि सूक्ष्म व्यायाम से अगर मुझे लाभ मिल रहा है तो आसन करने की क्या ज़रूरत है, प्राणायाम करने की ज़रूरत क्या है। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, जो कहते हैं ना कि किसी भी मूवी का ट्रेलर, वैसे ही योग का जो ट्रेलर है वो
सूक्ष्म व्यायाम है। सूक्ष्म व्यायाम हमें इतना लाभ देता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इससे बढ़ के जो लाभ मिलता है वो आसनों से मिलता है। लेकिन आसनों के लिए पहले सूक्ष्म व्यायाम में आपको निपुण होना पड़ेगा। सूक्ष्म व्यायाम में आप निपुण हो जाते हो तो आप डायरेक्ट आसनों को कर सकते हो। लेकिन कभी भी आसन करें तो सूक्ष्म व्यायाम जब आप कर लेते हो तो आप आसनों को बहुत बेहतर तरीके से दृढ़तापूर्वक, स्थिरता से और सुखपूर्वक करते हो। ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो हम अगली वीडियो में ये जानेंगे कि हम कैसे हम सूक्ष्म व्यायाम को अपने जीवन में अपनाएं और सूक्ष्म व्यायाम की गतिविधि को करें।